यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और कैबिनेट मंत्री कविता जैन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे आपको ले चलकर चलते हैं। माननीय श्री अंबुज शर्मा महासचिव राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार में महिला बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव बुंद्रो साहब, उपस्थित डॉक्टर रंजीत सिंह जी संयुक्त सचिव P&A राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मंच पर उपस्थित अभी आपको संबोधित कर रहे आदरणीय KP सिंह जी DGP हरियाणा, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानितगण और इस सभागार के अंदर आए हुए सभी प्रतिभागीगण जो कि हमारे सभी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे भी देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ विभिन्न NGOs के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं हरियाणा राज्य की तरफ से, महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, खास तौर से कि जिन्होंने आज हरियाणा की इस धरती को इस महत्वपूर्ण विषय के लिए चुना। और उसके साथ साथ में आज जब हम 21वीं शताब्दी के अंदर है, और मैं समझती हूँ कि बहुत लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि जब से ये सृष्टि बनी है हमने बच्चे जिसको कि अगर हम कहें, चाहे हम SC ST की श्रेणी में रखें, चाहे अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखें, चाहे हम किसी भी वर्ग के अंदर, जब हम कहते हैं कि दलित, पिछड़े, गरीब, सबसे अंत्योदय जिसका करने की ज़रूरत है, या जो बहुत ज़्यादा वल्नर है, अगर इन सब चीज़ों को भी समायोजित कर लिया जाए तो एक अगर शब्द निकल कर आता है तो वो है हमारे बच्चे, जो सृष्टि के बाद आज हम 21वीं शताब्दी पर, मैं समझती हूँ कि पहली बार किसी गंभीरता से 2 दिन की कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है। राष्ट्रीय तो नहीं है, ये हमारी रीजनल है, लेकिन इसका इम्पैक्ट मैं समझती हूँ राष्ट्रीय लेवल पे जाएगा। सो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जब ह्यूमन राइट कमीशन की बात आती है, सो सबसे पहले मेरे मन के अंदर जो विचार आए, ये जिस मंच की बात आई, तो यकायक मेरे अंदर भी एक बात आई कि जब से मुझे ये मंत्रालय मिला या जब से मैं सक्रिय राजनीति के अंदर आई, और उसके पश्चात पिछले 3-4 वर्षों के दौरान, अगर ख़ास तौर से सिर्फ हम हरियाणा का ही जिक्र करें और पूरे राज्य के अंदर भी जिस तरह से बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं, या बच्चे जो ऑफेंडर्स की श्रेणी में भी आते जा रहे हैं, लगातार वो मामले एक के बाद एक बढ़कर सामने आ रहे हैं। सो उसमें कहीं ना कहीं लगने लगा था कि आज चाहे हम वुमेन एक्टिविटीज़ के तौर पर हम जब काम करते हैं, 8 मार्च को हम महिला दिवस की बात करते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन की भी बात करते हैं, या अलग अलग संस्थाओं की बात करते हैं, तो वो हर कोई बात करता है, वो महिलाओं के अधिकारों पर बात करता है, महिलाओं को सशक्त करने के ऊपर बात करता है, या ये बात करता है कि हमें जो समाज के जो दलित वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, कैसे उनको मुख्य धारा में लेकर आना है, कैसे जो माइनॉरिटी के अंदर है, कैसे उन्हें हमें इक्वल स्टेटस में लेकर जाना है। जो वोट की राजनीति है वो कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे दिशा को, हमारे विजन को, हमारे आगे हमने क्या एक्शन ले लिया उसको प्रेरित कर रही है।